उत्तराखंड प्रमादं पै राज्यसभलो प्रकटन चेशारु केंद्र होमशाख मंत्री अमित षा प्रमादं लो चिक्कुकुन्न वारिनि कापाडेंदुकु अन्नि रकाल चर्यलु चेपडुतुन्नामनि चेप्पारु 450 मंदि ऐटीबीपी जवान्लु 5 एनडीआरएफ टीम्लु 8 आर्मी टीम्लु 1 नेवी टीम सहायक चर्यल्लो पाल्गोंटुन्नायन्नारु रेस्क्यू आपरेषन्लो 5 एयर फोर्स हेलीकाप्टर्लु कूडा विनियोगिस्तुन्नट्टु अमित षा चेप्पारु इक राज्यसभलो कोद्दिसेपु मौनं पाटिंचि उत्तराखंड मृतुलकु संतापं तेलिपारु एंपीलु गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। विद्युत मंत्रालय के माननीय राजमंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया और चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का भी जायजा लिया है। आईटीबीपी ने अपना कंट्रोल रूम वहां स्थापित कर लिया है और उनके 450 जवान सभी जरूरी साजो सामान के साथ घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव अभियान में लगी हुई है। आर्मी की 8 टीमें जिसमें एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी शामिल है घटनास्थल पर बचाव कार्य कर रहा है। एक मेडिकल कॉलम और 2 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर तैनात है। नेवी की 1 गोताखोर टीम भी घटनास्थल पर तैनात की गई है। एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टरों को भी इस कार्य में लगाया गया है। जोशी मठ में भी प्रशासन द्वारा एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। घटनास्थल पर विपरीत परिस्थिति में भी घटना के बाद से ही लगातार राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया था। टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रात भर के अथक प्रयास के बाद आर्मी द्वारा टनल के मुंह पर पड़े मलबे को साफ कर लिया गया है। काफी अंदर तक हमारे